अशोक मौर्या यूट्यूब चैनल है, आप उनको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करने का। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो पे। तो आज की वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं दहेज बंदरगाह। तो ये वीडियो मैंने अपने एक फ्रेंड के माध्यम से लिया है, तो ये सोचा आपको दिखाता हूँ। तो मिस्टर विकास ने हमें वीडियो दिया है, जो कि गुजरात में दहेज बंदरगाह के पास जॉब करते हैं। ये साउथ वेस्ट गुजरात में है। तो चलिए, यहाँ का नज़ारा हम आपको दिखाने वाले हैं एक बंदरगाह का, जिसका नाम दहेज है। तो दहेज बंदरगाह का नज़ारा देखने के लिए हमारे वीडियो को आगे देखिए। चलिए, मिलते हैं आपको वीडियो के बाद में। आज आप लोगों को गुजरात दहेज में आपको एक समुंदर का झलक दिखाने जा रहा हूँ। चलिए आप लोग देखिए, अभी ब्रिज के ऊपर से होकर जा रहे हैं। ये अपना जो कंपनी दिख रहा है, ये रिलायंस कंपनी है, जो काफ़ी नामी कंपनी है। और आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग समुंदर का नज़ारा कैसा है। यहाँ पर अभी बारिश का टाइम है, इसलिए आदमी कम दिख रहे हैं, नहीं तो काफ़ी भीड़ होती है यहाँ पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर जहाज हैं, और ये देखिए अब बड़े बड़े जहाज अभी आपको आगे जाके दिखाएंगे, आप देख सकते हैं। अभी जाते जा रहे हैं रास्ते में। ये भी भाई लोग देखने के लिए आए हैं। अभी देखो, अब जा ही रहे हैं, काफी बड़ा ब्रिज है। बारिश का मौसम है, ठंडा हवा चल रहा है। अभी आपको पास में जाकर एक दिखाएंगे, काफी आप देख सकते हैं ये वीडियो। देखिए आप इन समुद्री लहरों को, देखिए कितना तेज से लहर मारता है, एकदम आप देख सकते हैं करीब से। अभी आपको ज्यादा करीब से दिखाते हैं आपको। हमारे अशोक मौर्या यूट्यूब चैनल है, आप उनको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करने का। आप देख सकते हैं काफी बड़े बड़े जहाजे, आप देख सकते हैं दूर दूर तक जहाजे खड़ी हुई हैं। देख सकते हैं बड़ी बड़ी जहाजे हैं यहाँ पर, पानी के लहर से नाव इधर उधर डोलती रहती है। बस काफी दिनों बाद समुन्द्र का दर्शन हुआ है। ये ब्रिज ज्यादा लंबा नहीं है, सिर्फ यहीं तक बना हुआ है, इसके आगे आप जा नहीं सकते। यहीं से जो आपको देखना है यहीं से देखा जा सकता है, बाकी आपको कहीं से देखा नहीं जाता। हम पहुंच गए हैं एकदम जहां पहुंचना चाहिए, आपको दिखाएंगे। इस समुंदर की लहरें इतने तेजों से मारती है।
का ब्रिज है, काफी लंबा दूर तक ब्रिज है, यहीं से स्टार्ट हो जाता है समुद्र। तो गाइज आपको ये दहेज बंदरगाह कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और ऐसे ही हमारे चैनल के साथ एंजॉय करते रहो, रिकमेंड करते रहो। मिलेंगे आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।